हजार का चालान, 23,000 का चालान। लेकिन इन सबको पीछे करते हुए हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस ने 59,000 रुपए का चालान काटा। विदाउट लाइसेंस, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट आरसी, शराब पीकर ड्राइविंग, तेज रफ्तार ड्राइविंग, बाइक सवार को खतरनाक ड्राइविंग के चलते टक्कर मारना और मारपीट का चालान काटा है। जो मोटर व्हीकल एक्ट का प्रोविजन है उसमें प्रोविजंस में अंडरएज ड्रंकन ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, विदाउट आरसी, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट पॉल्यूशन, ट्रिपल राइडिंग, वो सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं होती है। यह मामला गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी मोड़ का है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर रेड लाइट जंप करते हुए बाइक सवार युवक से जा टकराया। पुलिस ने जब ट्रैक्टर को रोका तो मालूम चला कि ट्रैक्टर चालक ने शराब पी हुई है और मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था, जिसके बाद मौके पर तैनात जोनल अधिकारी धर्मवीर सिंह ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया और विभिन्न नियमों के तहत तकरीबन 59,000 का चालान काट कर उसके हाथ में थमा दिया। 59,000 के चालान की यह खबर पूरे देश में वायरल हो गई है, क्योंकि अभी तक 25,000, 32,000, 15,000 और 23,000 के ही चालान काटने की बात सामने आ रही है। लेकिन इस 59,000 के चालान ने सबको पीछे छोड़ दिया है, यानी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ऐसे तमाम वाहन चालकों को जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की अवहेलना करेंगे तो उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक चालानों में काटे जा रहे हजारों रुपए के चालान से भयभीत न होकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने और वाहनों के कागजात अपने साथ में लेकर चलने की अपील की है। या इस तरह की अफवाहों पर न जाएं, बल्कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियम बनाए गए हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही हैं, उनकी पालना करें, उनकी पालना आवश्यक है। इसमें जो आदमी अपने सभी जो ये नियम है उनकी पालना करते हुए रोड पर गाड़ी चलाते हैं उनको किसी भी प्रकार का इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, जबकि जो लोग इन नियमों की पालना नहीं करते चिंता उन्हीं को होनी चाहिए। तो किसी भी लापरवाह तरीके से, लापरवाही से या रफली गाड़ी न चलाएं। ट्रैफिक के जो रूल रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनकी पालना करते हुए सभी नियमों का पालन करें। भले ही लोग हजारों रुपए के चालान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो आज सड़क पर जरूर देखने को मिली कि लोगों के अंदर इस बात का डर आ गया है कि अगर उन्होंने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो जेब जरूर खाली हो जाएगी। सबसे पहले खबरें देखने के लिए टीडीसी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।